पंद्रहवा प्रश्न एफ एक्स बराबर टू एक्स यदि एक्स इज लेस देन जीरो और ये जीरो है यदि एक्स जो है जीरो से बड़ा है बराबर है और एक से छोटा या बराबर है और फोर एक्स है यदि एक्स इज ग्रेटर देन वन। हमें असांतत्यता के बिंदु इसमें भी देखने हैं। इसके लिए एक्स इज लेस देन जीरो अंतराल में ये फलन बहुपदी फलन है और एक्स ग्रेटर देन वन में भी ये बहुपदी फलन है और ये जो अंतराल है एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स लेस देन वन इसमें ये नियत फलन है। इसलिए ये क्योंकि यहाँ एक्स आया ही नहीं है नियत फलन है तो नियत फलन और बहुपदी फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं प्रायः। तो यहाँ तो ये क्लियर ही सतत है तो हम यहाँ लिख देंगे तो ये सवाल छोटा हो जाएगा। दिया गया फलन अंतराल एक्स लेस देन जीरो तथा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए बहुपदी फलन होगा, बहुपदी फलन है अतः और इसको भी ले लेते हैं तथा अंतराल एक्स लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो के लिए हम बराबर नहीं ले रहे हैं क्योंकि खुले अंतरालों में देख रहे हैं और क्रांतिक बिंदु देखेंगे तो ये शामिल हो जाएगा के लिए नियत फलन है। अतः इन अंतरालों के प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत होगा। क्रांतिक बिंदु इसके कितने हैं? x बराबर जीरो क्योंकि जीरो पे परिभाषा बदल रही है, लेस देन के लिए ये आ रहा है, ग्रेटर देन के लिए ये आ रहा है और x बराबर एक। इन पर और टेस्ट करते हैं तो x बराबर जीरो पर सततता की जांच सतत एफ जीरो का मान लेंगे। पहले एफ जीरो का मान कहाँ पे है? एक्स बराबर जीरो के लिए ये परिभाषा है, ये जीरो है समीकरण एक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच तो एक्स लेस देन जीरो के लिए ये परिभाषा आ रही है तो लिमिट एस टेंस टू जीरो टू टाइम्स जीरो माइनस एच बराबर अब जीरो रख के मान निकालेंगे तो क्या आएगा टू जीरो माइनस जीरो इट मीन्स जीरो। समीकरण एक राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच के लिए जीरो ही आ रहा है कॉन्स्टेंट फलन। समीकरण तीन जीरो 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 मतलब तीनों बराबर आ गए तो x बराबर जीरो पर फलन कैसा हो गया? सतत है। यहां पर लिख देंगे लिमिट s टेंस टू जीरो f जीरो माइनस एच बराबर है लिमिट s टेंस टू जीरो f जीरो प्लस एच बराबर है f जीरो अतः x बराबर जीरो पर फलन सतत है। अब हम x बराबर वन पर फलन की सततता की जांच करेंगे।
देखते हैं सतत होता है या नहीं। एक्स बराबर वन पर सततता की जांच। तो एफ वन का मान निकालेंगे दिए गए बिंदु पर। एफ वन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए यही मान आ रहा है। चौथा समीकरण लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ और माइनस एच लेंगे लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अब एक से छोटा, एक से छोटे के लिए फिर परिभाषा है वही है, तो ये तो जीरो ही आएगा, सीधा ही जीरो कर सकते थे, चलो यहां कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये आता कहाँ एक्स इज ग्रेटर देन वन, ये फोर वन प्लस एच, एच का मान जीरो रखते हैं, फोर वन प्लस जीरो इट मीन्स फोर नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं आए हैं। लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एस बराबर नहीं है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच और ये बराबर नहीं है एफ वन। अतः एक्स बराबर वन पर फलन सतत नहीं है। असांतत्यता का बिंदु क्या हो गया, x बराबर वन पर असांतत्यता का बिंदु विद्यमान है।